अस्सलाम भाई, कहाँ रह गए थे तुम? वक्त की पाबंदी करना सीखो। मौली साहब कहीं जमात खड़ी करने के लिए तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो चलो, एक मिनट रुके। क्या अब? क्या है? एक पिक्चर बस हो जाए। ओहो लाहौल वाला, आ जाए जल्दी बनाओ। आ जाओ, वो थोड़ा सा इधर हो। एक और मैं आप लोगों की बना रहा हूं। नहीं बस बस बहुत हो गई, देर हो रही। चलो बेटा आओ आओ। इतनी फिट पिक्चर आई है, चेक कर रहे। पहले मुझे तस्वीर खींचने दे। फरहत, अगर तुमने इस तरह की हरकतें ससुराल में की ना, तो सास तुम्हारा फोन तोड़ देंगी। वैसे बेटे आपकी मामा कह तो ठीक रही है, ये कोई तरीका तो नहीं है कि यहाँ खाना सर्व करो और उधर तस्वीरें बना बना कर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। क्या हो गया अबू, अब तो सब ऐसे ही करते हैं, ट्रेंड है ये। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये क्या ट्रेंड है। बेगम आपको याद है हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया था? हमारे वालदैन ने तो हमारी ये तरबियत की थी कि अगर आप फल खाएं तो छिलके घर से बाहर ना फेंको, क्या पता आपका पड़ोसी मुतहम्मिल ना हो फल खरीदने का और वो बेचारा महरूमी का शिकार हो जाए। एक मिनट बस। हाँ अच्छा, अब आप लोग खा लें। अरे नसीर भाई, इस गोट को यहीं रखते, वासी भाई गोट पिट जाती। यार अपनी गेम खेलो ना, मेरे पीछे पड़े हो तुम, बताता हूँ तुम्हें। मारने की बारी, पिटने की बारी भी नहीं ले रहे बस। पांच तीन, ये पांच गई ना, ये पांच से गई। चल शर्म नहीं आती, बड़े भाई की गोटी मार दे। मुझे भी बुला लेते, खुद ही खेलने बैठ गए। भाई तुम हारते तो पड्डा डालती हो यार। हाँ मैं कभी नहीं हारती, अपने खानदान में मैं हजरत चैंपियन के नाम से मशहूर थी। हाँ तो फिर जाए जाके अपने खानदान में खेले। चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सांप सीढ़ी की चैंपियन थी। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, सबके सामने बीवी का मजाक उड़ा रहे हो। भाभी मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। रहने दो, अकेले में तो कभी मजाक सूझता नहीं है, यहाँ अपने घर वालों को हंसाने के लिए मजाक कर रहे हैं। अच्छा भाई तुम खेल लो, तुम आ जाओ इधर। नहीं नहीं नहीं, आप ही खेलो, बस जैसे मैं बताऊं वैसे गोट चलनी है। चले ना, चलो भाई। चल मेरी है ये। ये हाँ, पांच और चार, पांच इधर चले और चार उसको चले। पक्की गोट है वो? अरे मुझे पता है, देखना अभी दो मिनट में लाल हो जाएगी, जैसे कह रही वैसे चले जल्दी से। ये पांच, हाँ ये खेल। चलो भाई, चलो भाई। ये छह, ये पांच, ये पांच से गई। पिटवा देना मेरी गोट। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? हाँ वो तो मुझे पता लग गया था जब तुमसे निकाह हुआ था ना, जब ही पता लग गया। तुम सबके दांत तोड़ूंगी एक दिन, खुश हो बीवी की बेइज्जती करा के। हाय बड़े बड़े एक्टिंग, कोई तुम्हें एलिजाबेथ कोई नहीं मिलनी थी ना मेरी जगह। अस्मा, अस्मा जी अम्मी। चलो यार चलो, बस खत्म, बंद करो। आप गेम हारने लगते हैं तो गेम ही बंद करो। हाँ यार बाद में खेलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। यार ये क्या बात, आईना नहीं कह रहा तुम लोगों के साथ में यार। जब देखो यार हटाओ यार ये। एंजॉय यार, अच्छी एक तरह रख। अरे भाई बिरयानी लग रहा है ना, लाओ दिखाओ। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें लेकर आने में? हाँ तुम हमारे इंतजार में रहती हो क्या, घर में खाना नहीं बनाती? जब मुझे पता है कि बेबी बाजी के घर से हर जुम्मे को इतने मजे की बिरयानी आती है तो फिर मैं अपने घर का खाना क्यों खाऊं? बर्तन लाके दो जल्दी से, घर पे खाना खाना है मुझे। मैं शाम में आऊंगी ना, तब दे दूंगी। अल्हाफिज। ऐसे मुंह पे दरवाजा कौन बंद करता है बदतमीज? जो कहता है वही होता है। मत पूछो, अम्मी तो हर वक्त मुझे डांटती रहती है, यही कहती है कि ससुराल जाओगी तो जूते पड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? वो उनको मेरा ना हर वक्त फोन यूज करना अच्छा नहीं लगता। ये तो मेरी अम्मी को भी अच्छा नहीं लगता। मर गए मतलब पक्का जूते पड़ेंगे? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे मौके पर तो मेरी अम्मी झाड़ू का इस्तेमाल करती है। क्या मजाक कर रहा हूँ। हद होती है, मैं समझ रही थी कि तुम सच बोल रहे हो।
खैर हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना भी अच्छी आदत नहीं है। लेकिन वासिफ तुम्हें पता है जितनी ज्यादा पोस्ट लगाओ ना उतनी फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। मेरी दोस्त है ना सारा, उसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। और वैसे मैंने भी सोचा है कि हम दोनों की जब शादी हो जाएगी ना तो मैं हमारी तस्वीरें पोस्ट करूंगी और कपल गोल्स का हैशटैग भी लगाऊंगी। वो नादिया है ना, वो भी ऐसी करती है। सच बताऊं तो सोशल मीडिया पे इतना यूज नहीं करता और ऐसी पोस्ट लगाने से ना मोहब्बत को नजर लग जाती है। हाँ वैसे ये बात तो है, सारा की भी शादी कुछ सही नहीं चल रही है, बस फेसबुक की हद तक ही दोनों खुश नजर आते हैं। खैर तुम और बताओ क्या हो रहा है। कुछ नहीं, असाइनमेंट कर रहा था अपना। वनीत आके अपनी चाय ले लो। और ये रही तुम्हारी चाय। अरे नहीं नहीं भाभी मैं पी के आई हूँ। थोड़ी सी और पी लो, इलायची डाली है। ओहो बदतमीज लोग आए ना। जो कहते भाई होता है। अरे ना सलाम ना दुआ आते ही लड़ाई शुरू। इसने दोपहर में दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था, इसको बताए कि तमीज क्या होती है। बात सुनो 250 रुपए लाई हूँ मेरे। किस चीज के 250 रुपए? इसने फोन ठीक करवाया था ना मुझसे। हाँ तो उसके बदले मैंने तुम्हें मीठा पराठा नहीं खिलाया था। 250 रुपए का काम करके गया और 500 रुपए का पराठा खा गए। 500 का? हाँ 500 का। तुम्हें पता है आटा कितना महंगा हो गया, और जो तुमने खाया था वो मीठा पराठा था, उसमें चीनी होती है। तुम्हें पता है चीनी कितनी महंगी है? अच्छा ये जो तुम चाय पी रही हो ना, इसमें दूध भी है, पानी भी है और इलायची भी है। चलो हमारी 700 रुपए की चाय नीचे रखो। चलो ये क्या मेरा तुम्हारा लगा के रखा है, पागल हो गए हो क्या? ये अपनी चाय पकड़ो और वासिफ को भी दो। लेकिन वासिफ भाई तो ना कमरे में ना बाहर है, छत पे होगा। अपनी होने वाली बेगम से बात कर रहे होंगे। चलो उनको रंगे हाथों पकड़े। अच्छा अभी तो तुम लड़ रहे थे इसे। अरे मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे कोई क्राइम पार्टनर भी तो नहीं है। भाभी वैसे वासिफ भाई को तंग करने में बहुत मजा आता है, आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं भाई मुझे तो तुम लोग रहने ही दो। हम लोग ही करते हैं, आ जाओ। अच्छा ज्यादा तंग मत करना। नहीं तुम्हारी कॉल आई तो छत पर आ गया ताकि आराम से बात कर सकूं, वरना वलीद मेरे हर वक्त इर्द गिर्द मंडराता रहता है, बड़ी नजर रखता है मुझ पर। क्यों? वो क्यों नजर रखता है? उसे ब्लैकमेल करके पैसे जो लेने होते हैं। लेकिन वो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करता है? नहीं बस वैसे ही। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। वो मैं तुम्हें अपने कपड़ों की तस्वीरें भेजूंगी, तुम मुझे बताना तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं वो ही पहनूंगी। तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगोगी। जी जी भाभी आप जो भी पहनो बहुत अच्छी लगेंगी। ये क्या बदतमीजी है? होने वाली भाभी से समन की बात करा दो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? समन सलाम कह रही है। ये समन कौन है? शनाज आंटी की बेटी है। शनाज आंटी कौन है? हमारी अम्मी ने समन को बेटी बनाया हुआ है तो इसीलिए ये आपकी नंद हुई। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? यार हमें क्या पता आप छत पे क्या चल रहा है, मैं तो तुम्हारी चाय लेकर आया था। समन ने कहा कि वासिफ भाई को सलाम कर रहे हैं तो ये भी आ गई। समन एटलीस्ट ऐसे कामों में तुम्हें इसका साथ तो नहीं देना चाहिए। अच्छा गुस्सा मत करो, ये लो चाय पियो। यार पता नहीं क्या सोचेगी वो, इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। जॉइंट फैमिली में कोई प्राइवेसी नहीं थी ब्रो। वलीद वासिफ भाई। अच्छा गुस्सा मत करो, चाय पियो, बैठो बैठो आराम से बैठो। बैठो ना। क्या सुना तुम दोनों ने? बस यही सुना कि जो भी पहनो बहुत अच्छी लगती हूँ। तुम अपनी चेयर ले आओ। तुम इधर बैठो। अरे ले आओ अपनी चेयर यार, चलो उठो, चलो यहाँ से खड़े उधर। आज की बात थी। अह
अरे मैं नहीं बचने की अस्मा, इस बार नहीं बचूंगी, मैं निकल लूंगी, बता दिया मैंने तुझे। हौसला रखें भाभी, आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। नहीं इस बार कुछ नया है अस्मा, मुझे पक्का पक्का यकीन है ये शनाज जो है ना जादू टोने करा रही है मेरे ऊपर। ये नहीं दे, ये ना मुझे मार के दम लेगी, खून की उल्टियां करवाएगी मुझे ये। और क्यों खामखा अपने दिल में वहम पैदा कर रही है, शनाज ऐसा क्यों करेगी? अरे भाई तुम नहीं जानती इसको, तुम तो अभी शादी होके आई हो, मैं तो बहुत पुराना जानती हूँ। बड़ी तेज औरत है ये, बड़ी तेज औरत है। अरे कुछ औरतें होती है ना, जलन उनके दिल में पल रही होती है, हसद पल रही होती है, ऐसे लोग ना किसी को कुछ नहीं देख सकते। इससे मेरा फलना फूलना मेरा पनपना देखा नहीं जा रहा है, इसकी ताबीज कर रही मेरे ऊपर ये। आए अल्लाह, अब देखो जरा क्या जरूरत थी मुझे कहने की कि भाई अजरा तुम बहुत खा रही हो, बस करो, इसके बाप का माल खा रही थी मैं, है जो ये नजर लगाए बैठी थी मेरे खाने पे। बस जब से तबीयत खराब है भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का खाने पे टोकना मुझे। भाई उनको पता है ना कि ज्यादा खाना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए कह रही। बात सुनो, तुम्हारे के वकील बन के बैठ जाती हूँ, वकालत क्यों नहीं कर लेती तुम्हें? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। आए मेरे दिल रखने के लिए कह दो क्या हो, आप ठीक कह रही है, शराब सही औरत नहीं है, हाय वाला दिल ही रख दो कम से कम, मैं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे बताओ उसने तो मुझसे ज्यादा खाया था, वो तो बिल्कुल हट्टी कट्टी घूमने लग कड़ा सब पत्थर जबर, मेरी हालत देखो क्या हो रही है। अच्छा अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना तो आपको डॉक्टर के पास ले चलो। अरे ना बाबा ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाने के भाई, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाने की मैं, डॉक्टर आओ देखता है ना ताओ देखता है, बस आजकल के डॉक्टर तो निकाल के सुई घुसा देते हैं, उसके बाद वो दर्द तो चले जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाओ वो सुई वाला दर्द रह जाता है भाई, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाने की डॉक्टर के पास, बता दिया मैंने। तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी? काम कर मेरी डकार ना फसलियों में अटकी हुई है, जरा सही से मसल ना, अभी डकार निकल जाएगी यहाँ से। आई 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 आ रही आ रही आ रही आ रही ओ हाय हाय हाय, एक और आई शराब की नजरें थी जो पेट तक दब गई थी मेरे। एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक मंगा दे मुझे, हैं थोड़ा सुकून आ जाएगा मेरे पेट में, जा शाबाश। अच्छा मैं वासिफ या वलीद से कहती हूँ, आइए भक्की चूरन तो लेती जा भाई। आए ये फॉर्म है, आप इसको फिल कर दीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ राजीनामा जिसके मुताबिक आप लोगों पे कोई दबाव नहीं है और आप लोग अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करा रहे हैं। ये काम करके प्लीज आप ओटी में आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। नसीर, हम यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आए? ये गलत है नसीर। मेरे साथ भी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है। इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? कि तुम इसकी माँ हो। खुदा के लिए नसीब, ऐसा ना करें। मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुमने इस बारे में घर में अपनी जबान खोली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये गलत है, ये नाजायज काम है। कुछ हालात में जायज है, वो तब अगर अगर माँ की जान को खतरा हो। भाभी माँ की जान खतरे में? बोलो, अब अपने बच्चे की जान दोगी? हाँ दोगी। दीदी आ जाएं आप अंदर, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इनका हाथ पकड़ के ले जाएं, तबीयत थोड़ी नासाज है इनकी।